Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and we began with the chapter called Clinical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, particularly authored by Mr. Dennis Williams. We began with this chapter a few videos back, and we have covered the introduction topic called anoxia, mechanisms responsible, causes of cerebral anoxia, and acute severe anoxia. The next topic given in here is slow cerebral anoxia, which is short as given here, and we'll cover this topic. So this book was first published in 1959 and contains information given according to the lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So though the information was published then, most of it still holds true, and obviously recent additions have been added to recent science. So let's continue with slow cerebral anoxia. So author ka kehna tha ki tab tak sabse common jo hai स्लो सेरिब्रल एनोक्सिया ही था, और सबसे कॉमन था और लीस्ट रिकग्नाइज था. और इसका जो कॉज माना जाता था और माना जाता है भी, वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ब्लड वेसल्स के वॉल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल, फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, और प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं. और साथ साथ रिलेटिव हाइपोटेंशन भी डेवलप हो सकता है, और विच मे गिव राइज टू अ होस्ट ऑफ स्लोली एडवांसिंग न्यूरल सिंड्रोम्स. न्यूरल सिंड्रोम्स डेवलप हो सकते हैं धीरे धीरे, ऐसा ऑथर का कहना था, इन दोनों चीज़ों की वजह से. अब इस इफेक्ट से रिलेटेड एक चीज़ ऑथर ने मानी थी, वो थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक का इफेक्ट जो होता है, वो स्लो सेरिब्रल एनोक्सिया से ऑथर ने रिलेट किया था. सब अक्यूट एनोक्सिया फॉलो कर सकता है कोरोनरी ऑक्लूजन को, ऐसा ऑथर का कहना था. जो चेंजेस होते हैं ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन में, अनीमिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, पर्टिकुलरली इन अल्कलोसिस ऑफ वेरियस ओरिजिन्स, टॉक्सिक स्टेट्स, ये सब जो है एक माइल्डर एंड ऑफन ट्रांजिएंट एंड रिवर्सिबल स्टेट्स ऑफ सेरिब्रल एनोक्सिया को जन्म दे सकती थी और दे सकती है, ऐसा ऑथर ने बताया था अपने लेक्चर्स में. तो स्लो सेरिब्रल एनोक्सिया के अंडर इतना ही दिया हुआ है इस चैप्टर में. ऑब्वियसली देयर इज ह्यूज टेक्स्ट गिवन इन अदर बुक्स एंड ऑन इंटरनेट, बट बेसिकली यही है कि धीरे धीरे वो एनोक्सिया प्रोसीड कर रहा है सेरिब्रल एनोक्सिया, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा अनरिकग्नाइज चला जाता है जब रेगुलर चेकअप्स नहीं होते हैं, या रेगुलर चेकअप्स होने के बाद भी मिस हो सकता है, और एकदम से नज़र आता है जब इंटेंस प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है. सो हम सब सतर्क रह सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बाकी तो जो होना है वो होता ही है. सो रेगुलर चेकअप्स आर इम्पोर्टेंट, रेगुलर कंसल्टेशंस आर इम्पोर्टेंट, एंड कोई भी बॉडी में चेंज आए उसको लेकर डॉक्टर को कंसल्ट करना इज इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल. प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.